गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज के रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आपको लेकर क्या बातें चल रही हैं, आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं, आज दोपहर आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी जोड़ी साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। इस रीडिंग को आप एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर भी देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है। और ऐसे व्यूअर्स भी हमारे इस रीडिंग को देख सकते हैं जिनके या फिर जिनके पार्टनर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं। ओके, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वांड्स। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें इस पर्सन की फीलिंग्स की, तो यहाँ एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर जितना सीरियस है ना, उतना ही सीरियस ये पर्सन ना अपने करियर को लेकर, अपनी स्टडी को लेकर भी हैं। और यही वजह है कि ये पर्सन दोनों चीज़ों में ना बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अपने प्यार को भी पाना चाहते हैं और अपने करियर में भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपनी स्टडी अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं। कोई भी रुकावट ये पर्सन अपनी स्टडी में, अपने करियर में, अपनी लव लाइफ में नहीं चाहते, जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा सोचने पर मजबूर हैं और ये पर्सन सोच समझकर ही फैसला लेंगे। इसलिए ये पर्सन इस वक्त भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन की लाइफ में कोई भी अगर अदर पर्सन है, इस पर्सन की फैमिली, इस पर्सन के रिलेटिव या इस पर्सन के फ्रेंड्स, अगर ये पर्सन उनसे आपके बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो ये पर्सन आपके बारे में बोलता होगा वो ये है कि आप इस पर्सन को समझते हैं और इस पर्सन के जैसे ही हैं। आप भी दूसरी चीज़ों को ना उतनी ही वैल्यू देते हैं जितने की अपनी लव लाइफ को। तो आप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आपके पर्सन की स्टडी में कुछ भी रुकावट आए या इस पर्सन के करियर में रुकावटें आएँ या ये पर्सन कुछ अच्छा नहीं कर पाए। सिर्फ कमिटमेंट देने की बात आप नहीं करते बल्कि आप निभाने की बात करते हैं। चाहे किसी रिश्ते में बंधकर हो या फिर आप ना एज अ फ्रेंड ही एक दूसरे के साथ में क्यों ना हो, पर हाँ, रिश्ते निभाना आपसे सीखा है इस पर्सन ने। तो ये पर्सन आपकी तारीफ़ करता है कि रिश्ते निभाना इस पर्सन ने आपसे सीखा है, जितनी खूबसूरती के साथ, जितने अच्छे से आप रिश्ते निभाते हैं, जिस तरह से आप इस पर्सन के साथ रिश्ता निभाते आए हैं वो काबिले तारीफ़ है। तो ये पर्सन आपकी तारीफ़ करता है इस बात की कि आप बहुत अच्छे से इस पर्सन को समझते हैं, इस पर्सन को वक्त दे रहे हैं, इस पर्सन को किसी भी दबाव में नहीं रखते आप, ना ही अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। आपने इस पर्सन को फ्री छोड़ रखा है, इस पर्सन के फैसलों का आप सम्मान करते हैं। ये पर्सन जो भी फैसला लेंगे आप दोनों के रिश्ते को लेकर, वो आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही होगा। तो ये पर्सन आपको एक ऐसे रूप में देखता है जहां आप इस पर्सन के अच्छे फ्रेंड तो हैं ही, साथ में आप इस पर्सन के एक अच्छे और ट्रू लवर हैं। और दूसरी चीज़ जो नज़र आ रही है वो है इस पर्सन की तरफ से आने वाला प्रपोज़ल। तो ये पर्सन किसी प्रपोज़ल के बारे में विचार कर रहा है, किसी बंधन में बंधने का भी सोच रहा है ये पर्सन, पर इसके लिए ये पर्सन टाइम लेना चाहता है। यहाँ एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है, एक नया ही रिश्ता और बहुत स्ट्रांग रिश्ता बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके लिए ये पर्सन इस वक्त सोच विचार कर रहा है, अपने फ्रेंड से गाइडेंस जैसे कि लेने की कोशिश कर रहा हो कि इस पर्सन को क्या करना है। वैसे तो ये पर्सन सोच समझ कर ही डिसीज़न लेते हैं, इस पर्सन के फैसले खुद के होते हैं, और ये पर्सन फिर भी दूसरों के फैसलों का भी सम्मान करते हैं, उनकी राय लेते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अगर अपने फ्रेंड से आपके बारे में, इस रिश्ते को लेकर कुछ बात कर रहे हैं, तो वो आप दोनों के भले के लिए कर रहे हैं कि एक अच्छा और मजबूत रिश्ता आप दोनों का बन सके। तो हो सकता है कि अगर ये पर्सन अपने फ्रेंड से आपके बारे में बात करता है, उस चीज़ को लेकर आप दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं, तो उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को इस पर्सन के फ्रेंड ही दूर करेंगे। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने अपने फ्रेंड से बात की है आपसे बात करने के लिए,
ये बहुत सारे चांसेस बहुत सारे लोगों के लिए बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन के दिल में जो प्यार है, जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस आपके लिए नज़र आ रहे हैं वो ट्रू नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन के इंटेंशंस ट्रू नज़र आ रहे हैं। किसी भी बात को लेकर अगर आप दोनों के बीच बहस हुई है, कुछ अपशब्द इस पर्सन ने बोले हैं या आपने बोले हैं, तो ऐसा लगता है ये पर्सन माफ़ी भी मांग सकता है, क्योंकि एक ऐसे ही एनर्जी में ये पर्सन नज़र आ रहा है। अगर ये पर्सन अपने लिए वक्त ले रहा है, सोचने के लिए वक्त ले रहा है, इस रिश्तों का अगर इस पर्सन ने होल्ड पर भी डाल रखा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन आपके बारे में सोच नहीं रहा, या आपके लिए इस पर्सन के दिल में प्यार ख़त्म हो गया है। इस पर्सन के दिल में वही प्यार है, वही पैशन है, वही जज्बा है, वही सारी फीलिंग्स हैं जो पहले थी और अब तो और भी ज़्यादा ना बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आप दोनों का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट रहने वाला है, पर हाँ, इस रिश्ते को बनने में थोड़ा वक्त लग सकता है। 1 से 2 साल का वक्त यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी जिस स्टेज पर आप हैं या फिर जो भी अभी सिचुएशन बनी हुई है, उसको थोड़ा वक्त लगेगा इम्प्रूव होने में, और या फिर एक राइट डिसीजन लेने में इस पर्सन को थोड़ा वक्त लग सकता है। किसी बंधन में बंधने के लिए इस पर्सन को थोड़ा वक्त लग सकता है। 1 से 2 साल का वक्त लगता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है, और साथ ही इस पर्सन की फीलिंग्स में भी उतार चढ़ाव जो आ रहे हैं ना, वो इसी बात को लेकर हैं, क्योंकि आप शायद वक्त लेना नहीं चाहते ज़्यादा, और ये पर्सन थोड़ा ज़्यादा ही वक्त लेते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जो भी फैसले हैं, जो भी आप दोनों के डिसीज़न है ना, वो यहाँ पर नज़र तो आ रहे हैं, पर हाँ, वक्त लगेगा ऐसा भी यहाँ दिखाई दे रहा है। जो भी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, उन्हें इम्प्रूव होने में थोड़ा वक्त लगेगा, या फिर आप दोनों को किसी बंधन में बंधने में वक्त लगेगा, चाहे आप कुछ चाहते हो, ये पर्सन जो भी चाहते हो, पर हाँ, वक्त लगता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। चाहे वो वक्त आपकी तरफ से लिया जा रहा हो या फिर इस पर्सन की तरफ से ही क्यों ना लिया जा रहा हो, ये पर्सन वक्त लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एक नई शुरुआत आपकी हो चुकी है, एक नए रिश्ते की तरफ आप जैसे जैसे धीरे धीरे कदम रख रहे हैं, वैसे वैसे ही ये पर्सन भी कदम रखते जा रहे हैं। तो ये रिश्ता स्ट्रांग हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। आप दोनों की सहमति से होगा जो कुछ भी होगा, ये चीज़ भी यहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि आप दोनों के मन में सेम फीलिंग, सेम पैशन और सेम प्यार नज़र आ रहा है, और ये प्यार इतना स्ट्रांग है कि ये पर्सन इस रिश्ते को तो नहीं तोड़ने वाला ऐसा लग रहा है। भले ही आप दोनों के बीच दूरियां क्यों ना आ जाएं या कितना भी वक्त क्यों ना लग जाए, अगर ये रिश्ता आज ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से, आपको उम्मीद बिल्कुल ये नहीं रही है कि ये रिश्ता फिर से स्ट्रांग होगा या फिर से एक नई शुरुआत होगी, तो यहाँ एक नई शुरुआत भी होती हुई नज़र आ रही है, न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है, रिश्ता स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है। भले ही बीच में कितना भी गैप क्यों ना आ गया हो, फिर से एक नई शुरुआत आप दोनों इस रिश्ते की करने वाले हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही है। और इस वक्त ये पर्सन इसी के बारे में अपने फ्रेंड से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे आपका इस पर्सन के साथ में कॉन्टैक्ट हो या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई हो, फिर से न्यू बिगनिंग होगी, फिर से आप दोनों साथ में आएंगे, एक नई शुरुआत होगी, और जो भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो वो भी दूर होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि सारी चीज़ें ना बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ेंगी और अपने ही वक्त पर होंगी, जो वक्त डिवाइन ने सोच रखा है, डिवाइन टाइमिंग पर सारी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये पर्सन एक्शन लेने का सोच रहे हैं, पर हाँ, चीज़ें तभी होंगी जब डिवाइन टाइमिंग आएगी। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएं। ओके, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।